Hello students, welcome to my online class. In the previous class, we discussed about the format in this way. Format. Next, we were understanding a question of job vacancy type. एक एक क्वेश्चन को हम समझ रहे थे, वो क्वेश्चन नंबर ये है और ये इस तरह से पूरा नहीं हुआ था, इस क्लास में हम इसको पूरा करने जा रहे हैं. ओके, लेट्स सी. देखो यहां तक ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं इसको. गुड्डा इंटरनेशनल स्कूल गुड्डा गोर्जी इज लुकिंग फॉर. लुकिंग फॉर का मतलब है तलाश है, जरूरत है. टू डेडिकेटेड मेल लेक्चरर्स ऑफ इंग्लिश एंड केमिस्ट्री. डेडिकेटेड समर्पित, केमिस्ट्री और इंग्लिश के दो समर्पित मेल लेक्चरर्स की जरूरत है. इसके लिए क्या करना है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ. बिहाफ ऑफ का मतलब होता है किस स्थान पर, किसके स्थान पर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का मतलब है प्रशासनिक अधिकारी, कार्यभार संभालने वाला ऑफिसर. तो ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टू बी प्लेस्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर. एक न्यूज़पेपर है उसका क्लासिफाइड, हम ये देखो जितने भी हैं पार्ट्स है ये क्लासिफाइड पार्ट्स पढ़ रहे हैं हम. विज्ञापन जैसे एडवर्टाइजमेंट है, दो तरह का होता है, डिस्प्ले एंड क्लासिफाइड. ये जितने भी हम क्लासिफाइड के अंडर में पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्लासिफाइड. टू बी प्लेस्ड मतलब रखे जाने के लिए. टू बी प्लेस्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर. एक न्यूज़पेपर का जो क्लासिफाइड कॉलम है उसमें जारी करने के लिए आपको विज्ञापन लिखना है, अपने आप को मानना है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. ओके, देखो सबसे पहले हमने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये बॉक्स बनाया, सिचुएशन वैकेंट लिखा क्योंकि जॉब खाली है यहां पर. संस्था को वैकेंट जॉब के लिए, इस तरह से वैकेंट जॉब को बताने के लिए वैकेंट वर्ड लिखना पड़ता है, सिचुएशन वैकेंट. और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट हमने ये लिख दिया, संस्था का नाम लिख दिया. और उसके बाद में क्या है, इज लुकिंग फॉर लिखकर किस तरह की जॉब है, वेकेंट है, उसका जिक्र कर दिया. और एक्स्ट्रा क्वालिटीज लिख दी जैसे कि यंग एंड एनर्जेटिक. उसके बाद में क्वालिफिकेशन है, मस्ट बी एमए एंड बीएड इन इंग्लिश एंड एमएससी एंड बीएड इन केमिस्ट्री, ये लिख दिया. ये लिखने के बाद में एज है जैसे कि नॉट एक्सीड 35 इयर्स. एक्सीड का मतलब होता है अधिक न हो, मतलब 35 से अधिक का न हो. और सेक्स दर्शाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं मेल, यहां पर हम मेल वर्ड लिख चुके हैं टू डेडिकेटेड मेल, इसीलिए दूसरी बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है. इसके बाद में एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हम लिखेंगे. एक्सपीरियंस देखो यहां पर एटलीस्ट कम से कम 2 साल का, जैसे कि एटलीस्ट कम से कम 2 ईयर्स, 2 ईयर्स ये इन द रिलेटेड सब्जेक्ट, संबंधित विषय में कम से कम 2 साल का अनुभव. ये लो, ये हमने क्या दर्शा दिया, अनुभव दर्शा दिया. इसके बाद में सैलरी, सैलरी को देखो यहां पर सैलरी है, जैसा जैसे जिस तरह का कैंडिडेट होता है उसी तरह की सैलरी की डिमांड करेगा. इसीलिए यहां पर हम जनरली लिखते हैं नेगोशिएबल. नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब क्या है, समझौते के आधार पर. जैसा इंटरव्यू होता है, जैसा उसका डेमो होता है, उसके अकॉर्डिंग वह पेमेंट लेता है. तो इसके लिए हमने लिख दिया नेगोशिएबल. सैलरी का जिक्र कर दिया. और सैलरी का जिक्र करने के बाद में देखो सैलरी के लिए हम ये भी लिख सकते हैं अट्रैक्टिव सैलरी. सैलरी नेगोशिएबल लिख दिया, इसकी जगह पर और भी देखो अच्छे ढंग से लिखना ये रहेगा कि अट्रैक्टिव सैलरी, आकर्षक वेतन, आकर्षक वेतन मिलेगा, अट्रैक्टिव सैलरी, ये लिख दिया. और ये लिखने के बाद में सेलेक्शन प्रोसीजर, सेलेक्शन प्रोसीजर लिख दिया आपने, सेलेक्शन प्रोसीजर. सेलेक्शन प्रोसीजर है इंटरव्यू के बेस पर, तो आपने लिख दिया जैसे कि इंटरव्यू, इंटरव्यू बेस, इस तरह से. ये लिखने के बाद में जैसे कि इंटरव्यू डेट एंड टाइम लिखना पड़ता है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वॉक
यहाँ पर इसको सेमी कॉलम लगा कर इस तरह से कर दो, ये बात अलग होगी। यहाँ से आप कुछ अलग लिखना चाह रहे हो, जैसे वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन ए इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए संपर्क करें, जैसे कि कब है, टाइम देना पड़ता है, फ्रॉम 10 AM, 10 AM टू 4 PM, ये टाइम दे दिया आपने इंटरव्यू के लिए, पहुंचना है आपको, को मटा दी इस तरह से। टाइम देने के बाद में क्या है, विथ विथ कंप्लीट रेज्यूम या बायोडाटा, पूरे रेज्यूम के साथ में एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, आपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कर दिए, इनके साथ संपर्क करना है आपको, किससे करना है, कोमा हटा दो, टू लगा दो इसकी जगह पर, जिससे करना है इसके लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, टू टू क्वेश्चन में क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो यहां पर पद के पहले दी का यूज होता है, दी एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहां पर स्कूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दी का यूज हुआ है और संस्था का नाम हम यहां पर कर चुके हैं इसका जिक्र, इसीलिए यहां पर आगे फिर से हमें क्या है, इंस्टीट्यूट या किसी स्कूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। नेसेसरी टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से नेसेसरी दस्तावेज और पूरे रेज्यूम के साथ आपको संपर्क करना है, टाइम ये दे दिया। ये टाइम देने के बाद में देखो लास्ट डेट बता देनी है, लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू, लास्ट डेट क्या है, यहाँ पर दे दिया, आगे की डेट देते हैं, जैसे कि आपने दे दी यहाँ पर 25 मई, ये दे दिया आपने लास्ट डेट दे दी, लास्ट डेट देने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स का यू जिक्र कर दिया, लास्ट में है कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो आपने लिखोगे जैसे कि इसके लिए कॉन्टैक्ट, यहाँ पर इसको पूरा कर दो, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट में लिखोगे किससे संपर्क करना है आपको, द एडमिनिस्ट्रेटिव या द प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं आप, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये लिख दिया कॉन्टैक्ट के लिए, और इसके बाद में मोबाइल नंबर लिख सकते हो आप, मोबाइल नंबर एनी 10 नंबर्स, 9600 इस तरह से, आप कोई भी 10 अंक लिख दिए, ये लिखने के बाद में आपने लाइन को क्लोज करके इस तरह से ये पार्ट है नीचे का ऊपर लिख दिया, इस तरह से आपको दर्शाना है, एकदम सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अब हम इसके बाद में एक दूसरे क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, ओके, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, द क्वेश्चन इज
गुड्ढा गोड़ जी। Is looking for a for an experienced lecturer in English. Experienced lecturer in English. Against a leave vacancy. Against a leave vacancy for a year. Draft an advertisement to be placed in the situation vacant column of a newspaper. Imagine yourself as the principal of the school. In this, देखो ध्यान से, क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडागुड़ जी इज लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस लेक्चरर इन इंग्लिश। इंग्लिश के एक अनुभवी लेक्चरर की जरूरत है। किस बेस पर? अगेंस्ट ए लीव वैकेंसी फॉर ए ईयर, एक साल के लिए लीव वैकेंसी। मतलब ऑलरेडी यहां पर पढ़ाने वाला है, उसने एक साल की छुट्टी ले रखी है और एक साल के लिए ही यहां पर क्या है, उनको लेक्चरर की जरूरत है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन तैयार करो टू बी प्लेस्ड इन द सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। देखो, सिचुएशन वैकेंट आ सकता है, क्लासिफाइड कॉलम आ सकता है, इस तरह से कोई जरूरी नहीं कि एक ही बात है। सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, इस कॉलम में जारी करने के लिए, एक न्यूज़पेपर है उसके इस कॉलम में जारी करने के लिए विज्ञापन तैयार करना है। इमेजिन योरसेल्फ एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, अपने आप को स्कूल का प्रिंसिपल मानना है। 50 शब्द में लिखा जाता है, ऑलरेडी हम इसको जान चुके हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, इन दिस रिगार्ड वी हैव टू मेक ए बॉक्स रेजिंग लाइन्स ऑन थ्री साइड्स, तीन साइड में लाइन खींचकर हमें एक बॉक्स बनाना पड़ता है। आप स्केल का यूज करोगे, बॉक्स साफ साफ एक स्केल से आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना दिया, अब यहां पर मेन पर्पज है कि जरूरत है, हमें आवश्यकता है किसकी, एक इंग्लिश लेक्चरर की। इसलिए यहां पर पोस्ट खाली है, खाली पोस्ट को दर्शाएंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सिचुएशन है वैकेंट, ये लिख दिया हमने, टाइटल दे दिया कैपिटल लेटर्स में सेंटर में। शुरुआत करेंगे संस्था के नाम से, जैसा कि यहां पर है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो आप लिख सकते हो सीधा ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्थान लिख दिया आपने गुड्ढा गोड़ जी। इसके बाद में इज लुकिंग फॉर, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, इज लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस लेक्चरर, एन
एक्सपीरियंस्ड लेक्चरर an experienced lecturer in English. इस तरह से आपने दर्शा दिया. फिर क्या करना है, जैसे कि leave vacancy for a year, या फिर आप लिख सकते हो against, ये भी against, against a leave vacancy. Against a leave vacancy for a year, या for one year, for one year, आप ऐसा भी लिख सकते हो. इस तरह से आपने इसका जिक्र कर दिया. ये जिक्र करने के बाद में जैसे कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट हो गया, टाइप ऑफ पोस्ट हो गई, वैकेंसी हो गई. इसके बाद में क्या है, एक्स्ट्रा क्वालिटीज में यंग एंड एनर्जेटिक लिख दिया हमने, युवा और ऊर्जावान, एनर्जेटिक युवा और ऊर्जावान हो. ये लिखने के बाद में क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन इंग्लिश के लिए अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन देनी है, जैसे कि एमए एंड ए बीएड इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, ये क्वालिफिकेशन दे दी. क्वालिफिकेशन के बाद में एज, एज आप जैसे कि दर्शा सकते हो एज नॉट एक्सीड 40 इयर्स, या आप कम भी दे सकते हो, जैसे कि 35 ईयर्स, इस तरह से भी आप दे सकते हो 35 ईयर्स. यहाँ पर क्या है, सेक्स, सेक्स में आप लिख सकते हो मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो. एक्सपीरियंस देखो आप, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 ईयर्स इन द रिलेटेड सब्जेक्ट, बस इतना ही दर्शा दिया, 2 साल का अनुभव. सैलरी, सैलरी, सैलरी के लिए जैसा कि अट्रैक्टिव भी लिख सकते हो, लेकिन आप लिखो नेगोशिएबल. यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हो नेगोशिएबल, मतलब इंटरव्यू के आधार पर, समझौते के आधार पर. सिलेक्शन प्रोसीजर, इसके बाद में आपने जिक्र किया सिलेक्शन, है ना, इंटरव्यू बेस, इंटरव्यू बेस पर. इसलिए क्या है, ये देने के बाद में आप लिखोगे यहां पर इंटरव्यू के बारे में, तो वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए संपर्क करें विथ, विथ कंप्लीट बायोडाटा, कंप्लीट बायोडाटा और रेज्यूम, चाहे रेज्यूम लिखो चाहे बायोडाटा लिखो, विथ कंप्लीट बायोडाटा एंड नेसेसरी, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स आपसे के डॉक्यूमेंट्स के साथ टाइम दे सकते हो. फॉर्म लगाओगे, पहले फॉर्म लगाना जरूरी है, फ्रॉम 10 AM टू लगाओगे बीच में, पहले फॉर्म से स्टार्ट करना है. दो टाइम एक साथ देना हो तो पहले फॉर्म लगाओगे, बीच में टू लगा दिया, फिर आगे का टाइम 4 PM. इस तरह से आपने टाइम दर्शा दिया. टाइम दर्शाने के बाद में इसको हम ऊपर कर लेते हैं.
देखो टाइम 10 AM टू 4 PM ये टाइम दर्शा दिया आपने। टाइम और देने के बाद में लास्ट डेट भी लिख सकते हो, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बता दिया, लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू, लास्ट डेट में आप दर्शा सकते हो आगे की डेट, जैसे कि 30 मई जो भी है इस तरह से आप दर्शा सकते हो कुछ भी। और फिर लास्ट में आपको देना है कॉन्टैक्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट के लिए यहां से भी शुरुआत कर सकते हो आप, जैसे कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल, यहां पर क्वेश्चन में था प्रिंसिपल तो आप लिख सकते हो द प्रिंसिपल। और मोबाइल नंबर दे सकते हो आप, मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर जो भी हो, मोबाइल नंबर में कोई भी 9875006 इस तरह से 97 या फिर 8 जो भी है इस तरह से आप देकर ये क्लोज कर दो। ये बॉक्स क्लोज हो गया, इस तरह से आपको आंसर देना है, आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टू वांट ए जॉब, जॉब यदि हमें प्राप्त करनी है तो हम किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। ओके थैंक्स।